दो महीने की लगातार बारिश के बाद ये मेरा जो मेन डोर है ये बहुत तंग करने लगा था, टाइट हो गया सब कुछ। तो ऑब्वियसली एक कारपेंटर को बुलाया, शमसुद्दीन नाम उनका, और कारपेंटर हैं, डोर निकाला और देखिए कारपेंटर कैसा है। ये है शमसुद्दीन, शमसुद्दीन भाई सलाम अलैकुम। और ये शमसुद्दीन के साथ हैं शमसुद्दीन भाई की अहलिया। ये शमसुद्दीन भाई की गाड़ी है, इस पर बैठ कर आए। और ये मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि शमसुद्दीन भाई की अहलिया ये इनके साथ काम करने आई हैं। अब देखिए अक्सर हम जो ऊंची जॉब पर ऊंचे लोग होती हैं, औरतें फीमेल्स पहुंच जाती हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, मगर अप्रिसिएशन इनके लिए भी बनता है। तारीफ ऐसी औरतों की भी होनी चाहिए। जो हमारे मेन शमसुद्दीन हैं उनका कुछ हाथ में चोट लग गई थी कुछ दिन पहले, तो इनके एक हाथ में थोड़ी कमज़ोरी आ गई है, तो इनकी हेल्प इनकी वाइफ पूरी कर रही हैं। और शायद साथ इसी को कहते हैं। आप यकीन मानिए ये दरवाज़ा उतार के यहाँ नीचे रखने में शमसुद्दीन की हेल्प इनकी अहलिया ने की है। शमसुद्दीन कितने बच्चे भाई? तीन बच्चे। तीन बच्चे क्या करते हैं? एक बच्चा डॉक्टर पढ़ता हूँ, एक बच्चा नवीं पढ़ लिखा, नवीं में पढ़ लिखा, और पैया है। हाँ, सबसे छोटा बेटा इनके सिक्स में पढ़ता है। तो ये देखिए इन लोगों ने, ये कारपेंटर का काम करते हैं मगर बच्चों का एजुकेशन कितनी शानदार दे रहे हैं। तीन बच्चे, बड़ी बेटी आयुर्वेद के डॉक्टर है ना? हाँ, वो आयुर्वेद की डॉक्टर स्पेशलिस्ट कर रही है। किधर से? कन्याकुमारी से। और उनकी दूसरी बेटी क्या नाम है उसका? रिजवाना। उसकी किरात मैंने खुद ने सुनी है, माशाल्लाह उसकी किरात इतनी अच्छी है कि सुनकर उसकी तबीयत की खुश हो जाए। तो देखिए पढ़ाई अगर करनी हो तो इरादे होने चाहिए, जरिया अपने आप बन जाते हैं। भाभी आपका नाम क्या है? आयशा। आपका नाम? मेरा नाम शमसुद्दीन। शमसुद्दीन आयशा। कितने साल हो गए शादी को? 15 साल होगा। 15 साल ज्यादा हो गए होंगे। जब बड़े बच्ची डॉक्टर बन रही है, बड़ी बच्चा को इनके फर्स्ट हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, वो फर्स्ट मैरिज से है। अच्छा अच्छा, ये देखिए ये बात मुझे पता नहीं थी, ये मुझे अभी पता चले। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आपके बच्चों को भी खुश रखे। क्या कहते हैं आप लोग? सब होना चाहिए साथ ऐसा या नहीं? भाभी आपके साथ सारा काम हेल्प पूरा कर देती? गुस्सा नहीं आता भाभी आपको हेल्प करने में इसका? नहीं ना, हमारा जीनेश ना। हाँ, हमारा यश ना। अच्छा, अपने ही है। नहीं तो फिर भी ये आपके साथ में लेकर आता, गुस्सा आता होगा ना कभी कभी? नहीं। शमसुद्दीन भाई को उर्दू या हिंदी कम आती है, ये ज्यादा तमिल में बात करता है। शमसुद्दीन भाभी अगर काम करता तो तुम पैसा किसको देता? अपने लिए रखता भाभी को? पैसे उनका दे दूंगा। किन के कने? भाभी सही बोलता है? सच्चीच में पैसा आपको दे देता? सारा पैसा? तो आप तो इसका बॉस हो गया। क्या भी है नहीं उनका। आप लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, आप ये कहेंगे कि जुल्फी आप वीडियो बना रहे हैं, आप इनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए मैंने ऑफर करी थी बट इन्होंने कहा कि नहीं हम खुद करेंगे। मैंने कहा था, मैंने इंसिस्ट करा कि मैं भी हेल्प करता हूँ, मगर शायद गैरत या खुददारी या दोनों का कॉम्बिनेशन, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। बहुत खुशी हुई है सब कुछ देखकर। अलग अलग कल्चर्स में
अलग अलग लैंग्वेजेस में, स्पाउस, बीवी, अहलिया के लिए कितने अच्छे अच्छे नाम दिए गए हैं। हिंदी में अर्धांगनी यानी आधा अंग, उर्दू में शरीक के हयात, अपने आप को खुद डिफाइन करता है ये। इंग्लिश में बेटर हाफ, और ये दोनों अच्छी तरह इस चीज़ को दिखा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हर किसी को बेटर हाफ़ नहीं मिलता है, किसी किसी को बिटर हाफ़ भी मिल जाता है, बट दुनिया है, होता है। हाँ जी शमसुद्दीन भाई, आपने दरवाज़ा ठीक कर दिया मेरा? सुपर 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 सुपर। और भाभी ये सताता तो नहीं आपको शमसुद्दीन? नहीं, तंग तो नहीं करता? तंग करेगा मंझे बोलना। चलो अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। चलो अल्लाह हाफिज।